सिक्किम के नाथुला गैंगटोक रोड के पास मंगलवार को हुए हिमस्खलन में फंसे लोगों को निकालने के लिए आज दूसरे दिन 8 घंटे तक अभियान चलाया गया। इस अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आईटीबीपीआई, सेना व स्थानीय लोग शामिल हुए। गैंगटोक के जिला उपायुक्त ने एक बयान जारी कर कहा कि आज अभियान में कोई भी व्यक्ति ट्रैप नहीं किया गया। वहीं 7 मृतकों में से 4 के शव को आज उनके घर वालों को सौंप दिया गया, जबकि 3 के शव कल उनके घर वालों को सौंपे जाएंगे।